जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात के लिए रखी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव बड़े जोरों शोरों के ऊपर चल रहे हैं और दो चरण के चुनाव हो गए हैं और नए नए गठबंधन नए नए अलायंसेज जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं और जम्मू की दो सीटों के ऊपर तो हमारा अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो दो सीटें जम्मू की हम जीत रहे हैं और तीन कश्मीर की भी जीत रहे हैं हमारे अलायंस पार्टनर्स और लद्दाख की भी जीत रहे हैं। लेकिन बहुत मजे की बात यह है कि नए नए अलायंसेज गठबंधन देखने में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो तीन सीटें कश्मीर की चुनाव लड़ने से पहले ही हार कबूल कर ली। अब वहां पे वहां के कश्मीरी नेता जिनमें अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि वो तो तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है पत्रकार मित्रों कि जिस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी कर बना दिया, हमारा बंटवारा कर दिया, हमारा आर्टिकल 370-35 से सब छीन लिया, हमारी जमीनें, हमारी स्टेट सब्जेक्ट, हमारी नौकरियां, इस समय हमने जंग का ऐलान जो किया था कि 5 अगस्त 2019 को हमने ये जंग का ऐलान किया था कि हम जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा आर्टिकल 370-35 से सब वापस लेके आएंगे और 1,30,00,000 अवाम ने और नौजवानों ने मेरा भरपूर साथ दिया और हमने सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की वापसी और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की जंग को जीत करके आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कश्मीर के ये आजाद साहब, अल्ताफ बुखारी साहब और सज्जाद लोन ये जम्मू कश्मीर के लोगों का सोना कर रहे हैं। और हैरानगी की बात ये है, मैं तो मेरे मित्र है अल्ताफ बुखारी, मैं सुनकर के बेहद हैरान हुआ कि हम तो इनको कहते थे कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास बचाने के लिए हम इकट्ठे बैठते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और इसमें मिशन स्टेटहुड ने इकट्ठा किया, इनिशिएटिव लिया, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठनों को इकट्ठे बैठाया और हम अपने मुवाक्फ में कामयाब भी हुए और यहां तक कि हमने मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री जी को ये कहने के लिए। उधमपुर की रैली में मोदी जी ने खुद स्वयं कहा कि मैं रियासत भी दूंगा और असेंबली के चुनाव भी करवाऊंगा, उनसे गलती हो गई है। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि अभी हमारा मुवाक्फ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन गुलाम नबी आजाद और अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन कश्मीर के लोगों को धोखा कर रहे हैं और इन्होंने समझौता कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ कि इन्हें एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी मंजूर है, रियासत को तोड़ना भी मंजूर है और रियासत के अवाम को धोखा दिया है, उनको बैक स्टैबिंग छुरा घोंपा है उनके। और मैं ये इनको बता दूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370-35 से रियासत का दर्जा वापिस नहीं करेगी, ये पार्लियामेंट के चुनाव तो पहले ही तीन सीटों के ऊपर हार इन्होंने कबूल कर ली, लेकिन आने वाले चुनावों में असेंबली के चुनाव भी बुरी तरह से हारेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग 370 रियासत का दर्जा, लद्दाख के लोग भी ये सब चाहते हैं। लेकिन अफसोस उन पार्टियों के लिए होगा, मैं उनको भी अभी भी मशवरा दे रहा हूँ, अल्ताफ बुखारी को, गुलाम नबी आजाद को, सज्जाद लोन को, कि आप पार्लियामेंट के चुनाव पक्का हार जाएंगे इनके, इनसे आप समर्थन लेंगे भारतीय जनता पार्टी वालों से। सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव ही नहीं, आप बेनकाब हो जाएंगे, आपने जम्मू कश्मीर के वजूद मिटाने वाली गुपकार वो गुजरात गैंग जो है और आरएसएस के गैंग के साथ आप समझौता कर रहे हैं और आपने वजूद के साथ, आइडेंटिटी कल्चर के साथ समझौता कर लिया है। आप पार्लियामेंट के चुनाव भी हार जाएंगे और बेनकाब हो गए तो असेंबली के चुनावों में भी आपको कश्मीर के लोग, 1,30,00,000 अवाम कभी माफ नहीं करेगी।